जिले के नोहट्टा प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत सत्तौड़ से हरी मतों से मुखिया प्रत्याशी पद के लिए सुयोग शिक्षित कर्मठ न्यायप्रिय एवं समाज सेवी महिला उम्मीदवार प्रभा देवी ने जीत हासिल कर एक नया इतिहास रचा है। जीत के बाद क्षेत्र के नेताओं को जीत की बधाई देते हुए मुखिया प्रभा देवी के पति तेज नारायण यादव पत्रकारों के साथ एक खास बातचीत में बताया कि जीतने के बाद मैं क्षेत्र के लोगों के लिए दिलोजान से विकास का कार्य करूंगा। मैंने जो क्षेत्र की जनता से वादा किया उसे हर हाल में पूरा करूंगा। लोगों के दुख दर्द में पहले भी खड़ा हूं और आज भी रहूंगा। जीतने के बाद भी लोगों की समस्याओं को हल करने का काम करूंगा। देखिए 1978 में हम मुखिया बने थे और उसके बाद हम लगातार मुखिया रहे। फिर जब आरक्षण के तहत महिला सीट हुई, हमारी पत्नी इस बार लगा करके दो बार से मुखिया है बनी है। रहा बात क्षेत्र में काम करने का, क्षेत्र में काम जो समस्या है, गरीब हो या कोई तबका का लोग हो, उसको हर दुख सुख में हम साथ रहते हैं, साथ खड़े उतरते हैं। जहाँ तक मामला है पंचायत की, उसमें हम राज्य सरकार का योजना हो चाहे केंद्र सरकार का हो, सबको हम अपने पंचायत में लाभ दिलाए हैं। सभी तमाम रोड को हम बनवाए हैं, उसमें हमारा योगदान सबसे ज़्यादा रहा है। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री इंदिरा आवास का जब तक योजना था, हर परिवार को इंदिरा आवास दिलवाए थे। जब प्रधानमंत्री आवास का बात आया तो हर परिवार को प्रधानमंत्री आवास दिलवाए। जहाँ तक हुआ हर लोगों को दुख सुख में हम खड़े होते हैं। उसके बाद इस बार भी हम लोगों को बोले थे कि अगर हमारी पत्नी जीती, हम मुखिया बने पुनः, तो आप लोगों के लिए जो सरकार का सुविधा होगा वह हम जहां से होगा, प्रखंड से हो, जिला से हो, हम ला करके सब लाभ आप लोगों को दिलाएंगे और देंगे। इसी वादे पर जनता ने हमारे ऊपर में विश्वास किया और पुनः हमारी पत्नी को मुखिया बनाया है। मैं जनता को धन्यवाद देता हूं, गरीब गुरुओं को धन्यवाद देता हूं, जिनके बदौलत मैं पुनः मुखिया बन करके आया हूं। यही हमारा उद्देश्य था और उद्देश्य को पूर्ति हमारा जनता ने किया।